Assalamualaikum everyone, this is me Saba Umar and welcome back to my YouTube channel with another vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तो जनाब सुबह सुबह हो चुकी है मेरी और सुबह के बज रहे हैं 7:30, सब सो रहे हैं. मेरी आँख खुल गई थी जल्दी. बेसिकली आज जो हमारी एक फैमिली आई हुई थी बाहर से, भाभी इनफैक्ट मेरी जेठानी है और हम इनफैक्ट हमारे बीच में दोस्ती बहुत रहती हुई थी. तो आज उनका मतलब कल मॉर्निंग में उनकी है फ्लाइट, ठीक है जी. तो आज एक ये लास्ट दिन है जो हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे हंसी मजाक, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि देवरानी जेठानी में मस्ती मजाक होता है, ठीक है जी. तो हमारा प्यार भी बहुत है. ऑब्वियसली जो आए हुए थे फैमिली, जिन्होंने जो परदेसी आते हैं उन्होंने वापस भी जाना होता है. तो बेसिकली आज का एक दिन रह गया, बाकी हमने मिल बैठ के हंसी मजाक हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया. ये पूरा महीना हमने बहुत इन्जॉय किया, खाया पिया, लाइक हर तरह से इन्जॉय किया. और उनकी एक छोटी बेटी भी है, उसके साथ रियान की, हुरैन की और हमदान की छोटी छोटी मेमोरीज भी बन गई. ऑब्वियसली रियान, रामीन और हुरैन बहुत अटैच थे, ये दोनों एक टीम में थे. हमदान थोड़ा डिफरेंट नेचर का है और ये तीनों डिफरेंट नेचर के. तो बस ये चीज़ थी. बच्चे भी उदास हो जाएंगे, अब उन्होंने चले जाना है कल. बच्चे रात सोए होंगे, सोने से पहले इनसे मिल लेंगे और जब बच्चे सो जाएंगे तो फिर अर्ली मॉर्निंग में निकल जाएंगे क्योंकि उनकी फ्लाइट है, ठीक है जी. बाकी ये है कि खैर खैरियत से जाएं. तो आज हमारा दिन शुरू हो चुका है, पहले चलते हैं तरबूज वगैरह खाते हैं. बस सुबह उठ के अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो और अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको उठकर क्या लेना चाहिए गर्मियों में, और वो है जी तरबूज, ठीक है जी. और सेकेंड ये है जी, आज हम हमेशा से आपने ब्लॉग में मुझे देखा होगा, आज हम भाभी के हाथ का हलवा जो है ना वो हम खाएंगे, ठीक है जी. ये स्टोरी आगे जाके मैं आपको मज़ीद बताऊंगी. तो ये था कि आज हम बनवाने वाले हैं जी भाभी से हलवा. अच्छा, उनके हलवे की बात कुछ अलग है क्योंकि उनके हाथ में वाकई टेस्ट है. वो लिटरली इतना मज़े का हलवा होता है ना, आपको क्या बताऊँ, ठीक है जी. जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको दिखाएंगे. यहाँ पर मैं करूँ जी अपना नाश्ता, मोस्ट फेवरेट बन और मक्खन. ये है जी मेरी मदर इन लॉ के हाथ का मज़ेदार सा अचार. दिखाओ पाओ, दिखाओ क्या पे चोट लगी है, क्या हुआ यहाँ पे? क्रीम लगा दो इसके ऊपर. अच्छा मैं क्रीम लगा दी. तुमने इसके पाँव पे रख, हम यहाँ पे बैंडेज लगा देते हैं ना. ये कौन सी टूप है? पॉलिटिक्स. उधर सोफे पे बैठ जाओ. इतनी सी चोट है, इतनी सी, और ये कितना रो रहे, कितना रो रहे गधा. बस बच्चों जो ना, बच्चों को चोटों का होता है. लगा दो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक. चलो क्रीम लग गई और ऊपर हमने ये भी लगा दिया. चलो ठीक है, ओके हो गया. स्माइल करो. उधर उधर देखे ऐसे करके, देखो दर्द तो नहीं हो रही ऐसे ना, जोर सी देखो ऐसे ऐसे ओके हो गया ना. चलो बस इतना प्यारा बेटा है, स्माइल कर लो. कोजा बन के रो रहा है, अब रोना नहीं है ना? नहीं रोना, पक्का नहीं रोना. बड़ा अच्छा बच्चा. ये खोलना नहीं है ना, ये हमने इसलिए लगाया तो चोट लगी ना वो फटाफट से ठीक हो जाए, इसीलिए लगाया, ठीक है जी. फटाफट से दर्द है वो सही हो जाएगी. हुरैन कहाँ है? हुरैन कहाँ है? वो है हमारे पास एक बाउल सूजी है जो कि हमने ये वाला बाउल लिया, पर बाकी अब बताओ कट करती रहूँगी. मुझे सूजी कब आ गया डालो. यार आप भी बोलती रहोगी कोई मसला नहीं है. पोस्ट कर दो इलायची उठा रहे हो, ठीक है. अच्छा ये एक प्याला मैंने अभी चीनी ले लिया, ठीक है. हाफ बाउल में और लूँगी, ठीक है. जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी है, क्वांटिटी सेम है. नहीं,
जितनी सूजी थी उससे 1.5 मैंने चीनी ली है। अब एक प्याला सूजी थी मेरे पास, ये वाला मैंने मान लिया था, एक कप एक एक प्याला देना चाहिए, तो ये एक कप आधा प्याला मैं पूरा ऐड करी। अच्छा यही एक बाउल पानी का, तीन बाउल पानी के जाएंगे, एक सूजी का कप है और उसमें तीन बाउल पानी के, बाउल सूजी पानी सारी खिचड़ी बन जानी है। अच्छा अब और भी बनते ठीक है, ये शीरा बनाएंगे हम पहले, घी डाल के इसको थोड़ा भून ठीक है, तो भूनेंगे किस पे? चूल्हे पे। इसमें कितना घी डालेंगे हम? वो मुझे अंदाजा ही है तो मैं जरा मिक्स करते हुए देखूंगी। अच्छा ये हम अंदाजन डालेंगे, इतना होता है कि जब सूजी का भून रही हो ना तो थोड़ा लिक्विड हो ठीक है, इसको भूनना डर है। हाँ डर है, अभी ऑयल कम लग रहा है, घी कम लग रहा है, हम इसमें देसी घी यूज कर रहे हैं, हम तो हलवा देसी घी नहीं बनता है ना। अच्छा तो अब इसमें ना भाभी ने और देसी घी ऐड किया है, एक साइड पे हो रहा थी हमारा शीरा तैयार और दूसरी साइड पे हो रही है हमारी सूजी तैयार, थोड़ी नहीं चल रहा शुरू। अच्छा दोबारा बताएं, मैंने तब कैमरा ऑन नहीं किया था आपने, सूजी को बहुत तेज आंच पे नहीं भूलना, ठीक हो गया, थोड़ी हल्की आंच पे भूलना था कि आहिस्ता आहिस्ता भी इसका कलर जरा हल्का सा गोल्डन आ जाए, ठीक हो गया। हमारी सूजी जो है वो होगी थोड़ी थोड़ी गोल्डन कलर चेंज कर दी है और अब हम इसमें डालेंगे शीरा, ठीक है। ये जो इन्होंने मुझे बोलने को कहा है मैं वही बोल रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, मुझे सही पढ़नी है बिस्मिल्लाह, चलो डालो ठीक है। क्या हुआ मोबाइल आगे किया था मैं फटाफट पीछे करी, मेरे को पता चले मोबाइल नहीं खराब, अब हम इसको तेज आंच पर जब तक ये हंडिया की दीवारें ना छोड़ दे। अच्छा ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, मुझसे बुलवाया जा रहा है ठीक है जी। अच्छा इसको तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा इसको तेज को पकाने का सारा टाइम है वो मैक्सिमम हो जाएगा 30 मिनट का ना, अब जब ये तैयार हो गया ना तो हम इसी शक्ल आपको तब दिखेंगे। हमारे पास ये है जी बादाम, इसको हम काटने पे टाइम जाया नहीं करेंगे, हम इसको कूटेंगे ताकि हमारे सारा पैसे खर्च हो और हम एक हलवे में ऐड करें। तो जी हलवा हमारा हो चुका है रेडी, बस जैसे ही फूल तैयार होता है उसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं और आपको खाते हैं ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जो नहीं आने वाली वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारा हलवा जो है वो तैयार और ये हमने फटाफट से इनको कूट लिए और एक तो सारे उछलने शुरू ठीक है जी। बस थोड़े इतने ही रखो, थोड़े उनको करो काट दूंगी ना, हमने इसमें डाल दिए कुछ, हम इसी में मिक्स कर देंगे और कुछ हम इसको गार्निश करने के लिए रखेंगे ताकि थोड़ी सी सजावट से आपको पता चीज़ जो है वो और मज़ीद अच्छी लगे। ये हमने इसको कर दिया मिक्स, वैसे इसको बनाया मैंने नहीं है, बनाया तो भाभी ने पर हाथ मैंने लगा दिया, मुझे लग रहा है मेरी मीठे वाली रस्म हो रही है। तो ये मज़ेदार सा हलवा जो है वो तैयार हो गया, तो इसको मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको ट्राई करती, ट्राई करने के बाद मुझे पता चला यार आफत बना है ये हलवा, लिटरली बहुत मज़े का था। और इसके बाद हमने सर्व करने का सोचा कि यार सर्व करते हैं अंदर टेस्ट कराते हैं सबको, तो हम लोगों ने डिश आउट किया, डिश आउट करने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़े थोड़े से बादाम डाले, बादाम डालने के बाद इसको प्यारा सा जो इसकी एक लुक आती है ना वो निकल आई, और उसके बाद हमने इसको अंदर सर्व किया तो लिटरली अंदर भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इनफैक्ट उनके हाथ के हलवे की बात ही है कि यार वो बनता ही इतना मज़ेदार है कि उसको पसंद किए बगैर कोई रह ही नहीं सकता। अच्छा बताएं आप क्या बना रही हैं?
यखनी पुलाव चिकन का। अच्छा ये ना जत्ती बाहर के यखनी पुलाव है वो स्टोरी, बाकी जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जनाब यहाँ पर हम आज खाने में पता क्या बना रहे हैं, खाने में हम बना रहे हैं जी पुलाव, यखनी पुलाव जो कि बना रही हैं भाभी, ठीक है जी। मैं नहीं बना रही और वैसे भी ये जाती बहार का यखनी पुलाव हमें उनके हाथ का खाने के लिए मिल रहा है क्योंकि वो जा रही हैं जी वापस लंदन, ठीक है जी। तो इनफैक्ट आज काफ़ी टाइम से वो आई नहीं थी, तो आज जब वो वापस जा रही है ना तो लिटरली कुछ हो रहा है, इनफैक्ट एक फ्रेंडशिप जैसा माहौल बन जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है लिटरली। आप किसी भी बंदे के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो ना तो फिर उसके आने से या जाने से थोड़ा आपका मूड डिस्टर्ब होता है, ठीक है, उदास हो जाता है बंदा। तो बस मैं यही सोची थी कि यार उनके वो आई हुई थी, उनके साथ इतना अच्छा टाइम गुजरा, इंजॉय किया, आए गए हंसी मजाक हर चीज़, इनफैक्ट बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि उनकी एक बेटी है माशाल्लाह, तो सबने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया, अच्छा खासा फैमिली के टाइम एक अच्छा टाइम हमारा गुजरा। सो जो अब वो फैमिली जा रही है जी वापस, ठीक है जी, उनकी फ़्लाइट है जी सुबह की, ठीक है जी। तो जब तक ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा तब तक वो घर से पहुँच चुके होंगे और होप सो मैं भी मसरूफ़ हो जाऊँगी कामों में तो मे भी याद ना आए, बट ये है कि ओबियसली याद तो आती है थोड़ी बहुत। चलो मैं आपको इधर, तो बस इसी तरह टाइम जो है वो निकल जाएगा और पता भी नहीं चलना। बाकी एयरपोर्ट छोड़ने जाने का मैंने सोचा था कि मैं चलती हूँ, देखती हूँ मे बी स्पेस मिला तो ठीक है, और फिर मैं सोचती हूँ कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी तो ऑब्वियसली उनके साथ भी टाइम निकालना, अकेला नहीं छोड़ के जाना, देखती हैं मैं जाती हूँ या आंटी जाते हैं, जो भी ऑब्वियसली हुआ हिसाब देखेंगे टाइम पर। पर यह था कि दिल मेरा बहुत उदास हुआ है इस टाइम क्योंकि मैंने उनके हाथ का हलवा स्पेशली कह के बनवाया था, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जी खैर से जाएं, बहुत इन्जॉय किया उनके साथ, अच्छा टाइम हुआ गुजरा हमारा, और जो जिन्होंने बाहर जाना होता है ऑब्वियसली उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है, आना भी जाना भी कोई इतना आसान बात नहीं होती, खैर से आएँ खैर से वापस जाएँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ ये था जी आज हम उनसे बनवा रहे हैं जी यखनी पुलाव, क्योंकि उनके हाथ में भी बहुत अच्छा टेस्ट है, तो आज वो बना रही हैं, उसके साथ हम पुडिंग भी उन्हीं से बनवाएंगे। और ये पूरा व्लॉग मैंने उनको, अच्छा उनको मैं उनका फेस रिवील नहीं कर रही, ठीक है जी, वो सिर्फ मेरे साथ आती हैं, उनकी थोड़ी बहुत बातचीत आती है, बाकी है कि आप सब लोग दुआ करिएगा कि वो उनकी जो फ़्लाइट है वो सेफली अपनी जगह पर वापस पहुँचे और खैर खैरियत से जाएँ, फिर इंशाल्लाह फिर खैर से जब आना होगा वो आप पाकिस्तान आए। और एक ये भी बड़ी चीज़ होती है कि यार एक हार्डेस्ट गुड बाय जो कहना होता है ना, ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है ये। अच्छा ये लीटर दूध है, अब हम इसमें दो डब्बे डालेंगे ना पुडिंग के, डालो इसको, कितनी देर हिलाना है, एक मिनट हिलाना, ये इसी में ठीक हो जाए। जी सिर्फ हमने डाल दिए जी इसके अंदर, पर इसमें कुछ हार्ड भी है भाभी, ये देखो दो चॉकलेट जो एक बार खा लेना उसके बाद वो बाथरूम में बैठे रहोगे, ये सीक्रेट है कि हम सबसे बदला लेना वरना तो फिर हम ऐसे काम करते, ये वीडियो हमने जा रहे हैं ये पहले ही डाल देते हैं सिर्फ, मुझे लगता है कि बाद में डालते हैं भाभी। अच्छा मैंने एक दो बार बनाई थी, मैंने सबसे एंड में डाला थी सिर्फ, इसके बाद जाऊंगी बस तैयार हो गया। यहाँ पर तैयार हो गया जी हमारा सैलेड और मज़ेदार सा रायता, ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा पुलाव हो गया तैयार। यहाँ पे रमजान को लग गई है भूख और हम रमजान के लिए लेकर आए हैं जी सैंडविचेस, रमजान का खाना क्योंकि रमजान को लगी हुई है भूख, और ये भाई साहब पुलाव सलाव नहीं खाते, डायरेक्ट सालन के साथ रोटी चाहिए इसको और दाल के साथ उसको चावल चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज मैं इसको सैंडविचेस बना दूँ। चलो भैया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, वाओ मजे का है पिज्जा खाने, पिज्जा सैंडविचेस
मामा को बोलो मामा प्लीज खाना दे दें। मामा प्लीज खाना दे। ओके सैंडविच दे दें। सैंडविच दे दे। ओके मेरा जानू पानी दे दो एक। आई लव यू मामा। आई लव यू मामा। ओके मेरी जान अल्लाह ताला मेरे बेटे को जिंदगी सारी खुशियां दे मेरे तीनों बच्चों को। ठीक है जी अब हम लोग यहाँ पे करते हैं खाना खाना खाते हैं। हम इंजॉय कर रहे हैं जी फैमिली के साथ एक मजेदार सा डिनर। तो जनाब रात को मैं व्लॉग जो था एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों ने मिलके बैठ के बातें की बच्चों के साथ क्योंकि बच्चे भी जाग रहे थे और वैसे उन्होंने पैकिंग शैकिंग भी करनी थी तो बस इसीलिए हम लोग जाते रहे। और अब जो आज उनकी फ्लाइट का टाइम है और इस टाइम 6 बज रहे हैं। ठीक है जी सुबह के और सुबह के 6 बज रहे हैं और अब उनके जाने का टाइम आ गया जो कि ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए भी। अच्छा जब वो फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे याद है तब भी मैं रोई थी। ऑब्वियसली एक होता है कि यार इतने सारे सब साथ रह रहे हो टाइम स्पेंड कर रहे हो बातें शेयर करते हो हर तरह से आप लोग तो ऑब्वियसली अटैचमेंट हो जाती है ना। तो जब वो गई थी तो मुझे पहले 2-3 दिन तो बड़ा फील होता था कि यार मैं अकेली हो गई हूँ। तो फिर खैर से तब बच्चे भी छोटे थे तो इतना 3-4 दिन लगे थे। अब खैर से माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए शरारतें भी बढ़ गई हैं बच्चों के जिसमें टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो अब भी लिटरली अब मैं उनसे मिलके आ रही थी तो ऑब्वियसली दिल थोड़ा सा उदास हो जाता था वो भी थोड़ा सा रोए और फिर मुझे भी थोड़ा सा रोना हो गया क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी बड़ी अटैचमेंट हो गई थी। अब बच्चे उठेंगे तो जब ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होंगी। और अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो हम आपको बहुत मिस करने वाले हैं भाभी और रामी को भी बहुत मिस करेंगे। आप लोग खैर से थे आप लोग की फ्लाइट थी ऑब्वियसली आप लोग आए और फिर आप लोग को जाना ये भी एक मजबूरी होती है आपने टिकट्स ली होती हैं जिस टाइम पे तो आपको पहुंचना होता है। सो खैर से जाएं और ख्याल रखिएगा आप लोग अपना बहुत ज़्यादा। सांब भाई आप भी भाभी आप भी वैसे भी आप भी मतलब सब अपना ख्याल रखिएगा रामी को भी ढेर सारा प्यार दिएगा। और बाकी ये था कि रात मैंने इसलिए ब्लॉग एंड नहीं किया था तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहें दूसरों को खुश रखिए क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोली तो मैं रो पाऊंगी क्योंकि अभी मैं वाकई थोड़ा सैड सैड सी हुई हूं क्योंकि दिल थोड़ा सा उदास हो रहा है। ठीक है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।